वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है, खुश रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, तंदुरुस्त रहे। गुड आफ्टरनून, अभी टाइम हुआ है 4:15 रहा है। हमारा इधर असम में तो कामाख्या मंदिर में अम्बुमासी मेला हो रहा है। 4 दिन का मंदिर का दरवाज़ा बंद था, आज तो खुला है। हम लोग इस 4 दिन में गर्देज वगैरह मतलब नहीं क्या बोलूँ मैं, नहीं खुलता हूँ, बंद करके ही रखता हूँ। जो भी सामान मतलब जो भी चाहिए निकाल के रख देती हूँ, और कपड़ा वगैरह भी धो देती हूँ, किचन वगैरह भी अच्छी तरह से साफ कर देती हूँ। ऐसा करती हूँ हम आसामीज लोग, बाहर का मुझे नहीं मालूम है। और एक हाथ बोलता है हम लोग आसामीज में। और आज तो सुबह से मैंने थोड़ा बहुत कपड़ा भी धो दिया है। सुबह से बारिश है, मौसम बहुत अच्छा है, और इसलिए मैं आज ब्लॉग सुबह से नहीं बना पाई। और थोड़ा सा आज क्या हुआ, मीरा भी नहीं आया। सुबह बोला है वो भी कामाख्या मंदिर में गया है, और फ़ोन करके बोला, फिर लोखी आ गया है, झाड़ू पोछा लगा दिया, पोछा नहीं लगाया, झाड़ू ही मार दिया है। और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल ही कर लेना ऐसे भी। और मैं थोड़ा बहुत कपड़ा धो दिया है, कल उसको मैंने बुलाया है थोड़ा कपड़ा धोने के लिए। और खाद लगने से, खाद मतलब 7 दिन के बाद हम घर का जो भी कर्टन्स वगैरह है धो देती हूँ, साफ सफाई करती हूँ। मंदिर भी 7 दिन से मैंने दिया वगैरह नहीं जलाया है, और कल से जला लूँगी। आज से ही मतलब जला सकती हूँ, साफ सफाई मैंने करके रखा है। और कि देखिए कितना अच्छा मौसम है आज, बहुत अच्छा है, गर्मी भी इतना नहीं है। मैं सोचा आप मुझसे थोड़ा बात कर ली, और ठीक है बाद में मिलती हूँ मैं। आज तो मीरा नहीं आया, बस फ़ोन कर दिया था, वो कामाख्या मंदिर गया था, इसलिए मैंने लोखी को बुलाया। और लोखी खाना खा के आया है, अभी कितने बजे मुझे नहीं मालूम। वो बेटी का पढ़ाई करने वाला टेबल को मैंने उसको ठीक करने के लिए बोल दिया है, और अभी वो किताब वगैरह को ठीक ठाक करके टेबल को सीजन लगा रही है। और पहले भी बोल रही हूँ, लोखी बहुत अच्छी काम करती है, देखिए टेबल को कितना अच्छी तरह से मतलब एडजस्ट कर दिया। और साथ ही लोखी ने मेरा जो कैम कार्ड इधर आके अच्छी तरह से रख दिया है, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बता देने से अच्छी तरह से सारा काम संभाल लेते हैं। लखी अब घर को झाड़ू लगा देगी, क्योंकि मेरा तबीयत इतना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं लग रहा था, और लखी ने झाड़ू मार दिया। लखी ने झाड़ू मार दिया है, और मेरा बेटी का पढ़ाई करने वाला टेबल वो ठीक कर दिया है। और कामाख्या मंदिर में तो इन 4 दिनों बहुत लोग बाहर से भी आता है, साधु संत से भी आता है, बाहर से बहुत लोग होता है। मुझे जाने का बहुत मन था, और ब्लॉग बना के आप लोग के साथ शेयर करने का मन था, लेकिन
लखीमपुर चला गया। लखीमपुर से आके मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं है और थोड़ा थोड़ा तो मैं कल तो बोला है था टेबलेट खा रही हूँ, बुखार है अभी भी, मेरा तबीयत ठीक नहीं। सुबह से मैं ब्लॉग शुरू ही नहीं कर दिया। मैं ऐसा एक दिन आप लोग के साथ ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बीमार हूँ फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ और मैं जा नहीं पाया हूँ और बहुत दूर पैदल जाना पड़ता है और बहुत भीड़ भाड़ होता है और मेरा ऊपर से बीमार है, मैं बुखार जैसा हूँ, शक्कर जैसा आ जाएगा ऐसे ही, इसलिए मैं नहीं गया। बहुत गर्मी भी था उन दिनों, आज ही थोड़ा बारिश हुआ है, आज तो मौसम अच्छा है और हो सका तो भगवान करे अगली साल मैं ज़रूर जाऊँगी आप लोग के साथ ब्लॉग बना के दिखाऊँगी। और सभी लोग जानता है कामाख्या में अम्बुबाची मेला बहुत बड़ा मेला बैठते हैं और आप लोग तो मैं बोला ही हूँ, आप लोग तो थोड़ा बहुत तो आप लोग भी जानते ही है। और आज तो अच्छा लग रही है, मौसम अच्छा होने से तबीयत भी मतलब ठीक नहीं है, फिर भी गर्मी कम होने से अच्छा ही है। मैं अभी टेबलेट खा रही हूँ, बुखार ही है और कोई नहीं है, काल से परसों से थोड़ा थोड़ा हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ मैं और ठीक है। अभी मैं आप लोग से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्या हुआ मेरा, मतलब बहुत सब्सक्राइबर मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है, 50 या 60 लोग होगा अनसब्सक्राइब कर दिया है, क्यों कैसा हुआ पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। और क्यों मतलब 50 लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है और ठीक है, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, बाद में मिलती हूँ आप लोग से। हाय फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 7 बज रहा है, मैंने चाय पी ली है, चाय के साथ मैंने क्या लेस अमेरिकन लेस जो मतलब खाया और बिस्कुट और चाय पिया, आज गर्मी इतना नहीं है इसलिए चाय पी लिया और सोचा आप लोग से थोड़ा बात कर लूँ। मैं लखीमपुर से मेरा ननंद और मेरा भगिनी और मेरे ससुर मां के लिए क्या क्या लेके आया हूँ और मैंने क्या लिया है आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और लखीमपुर से मैंने क्या लिया है आप लोग को दिखाऊँगी। स्टाइल बाज़ार से बहुत अच्छा है और इतना महंगा भी नहीं है चीज़ का, जो भी चीज़ मैंने खरीदा है मुझे है। और मेरा पास गागल्स है फिर भी मैंने ले लिया है गर्मी में ऐसे अच्छा लगा मुझे, कम 100 में ही मिला है मुझे, ये लिया है मैंने, पहन के आप लोग को दिखा रही हूँ। और एक तो ये भी मेरा लिया है, मैं नहीं, ये मेरा बेटी के लिए लिया है, गुवाहाटी में भी इतना मिलता है पता नहीं, इतना अच्छा लगा मैंने ले लिया है मेरे लिए। और कपड़ा वगैरह मैंने नहीं लिया है, यही लिया है। और मेरा मैंने ये साड़ी लिया है, ये मेरा सासू माँ के लिए लिया है, ये मैं इसे ऊपर से ही दिखा दूँ और खुल के नहीं दिखाऊँगी। और ये मैंने मेरा ननंद के लिए लिया है साड़ी ऊपर से ही मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। ये स्टाइल बाज़ार में बहुत सस्ता में मिलता है। और एक साड़ी लिया है मामी जी के लिए, ये स्टाइल बाज़ार से ही लिया है ये साड़ी अभी, और बहुत मतलब इतना भी महंगा नहीं है, अच्छा मिला है। और ये मामी जी के लिए मेरा मतलब भाई का जो मतलब रश्मिता ने दिया है हैंड बैग, वो ये विशाल से लिया है शायद। और दो ऐसे टी शर्ट लिया है मैंने, ये मेरा मतलब भतीजी के लिए लिया है, बड़ा मतलब भतीजी सॉरी भागिनी के लिए ये टी शर्ट लिया है, स्टाइल बाज़ार से लिया है मैं। और यही भी मैंने स्टाइल बाज़ार से ही लिया है, ये छोटा भागिनी के लिए लिया है टी शर्ट, स्टाइल बाज़ार में बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, जल्दा जल्दी में मैंने खरीदा है, टाइम भी ज़्यादा नहीं है इसे जल्दा जल्दी में मैंने अच्छा लगा मैंने ले लिया। और मैंने एक लिपस्टिक लिया है, पता नहीं ये लिपस्टिक मेरा बुआ जी ने लिया है, अच्छा है। और मैं नाम भी क्या है मुझे अच्छी तरह से दिखाई नहीं पड़ रही है, ये लिपस्टिक कलर भी बहुत अच्छा है, ये कलर
मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। बुआ जी ने दिया है, दुकान से ऐसे किया था, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया है। और यही लेके आया है मैं लखीमपुर से। सभी मतलब सभी के पास तो सभी चीज़ होता है। और मतलब मैं भी मैं अपनों को छोटा सा ऐसे कोई भी चीज़ दे रही हूँ, वो लोग भी हम लोग को छोटा सा ऐसे कोई भी चीज़ दे रहे, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी छोटा छोटा चीज़ में छोटा छोटा मतलब प्यार छुपा होता है, बहुत बड़ा प्यार छुपा होता है ना। और मेरे लिए भी कोई कुछ मतलब बाहर जाए कुछ छोटा सा भी चीज़ लेके आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी कोशिश करता हूँ इसी तरह किसी को कुछ ले मतलब दे पाऊँ। और इसी तरह मतलब ऐसे तो सभी के इस तरह में सभी के साथ प्यार होता ही है, फिर भी प्यार बांटना चाहिए। छोटी छोटा छोटा चीज में छोटा छोटा प्यार छुपा होता है। और मेरा मानना है किसी का मेरा मानना है, ये मैं मानती हूँ ऐसा। और इसीलिए मैं मतलब जो भी जाता हूँ ऐसे हो सके तो कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभी तो नहीं भी हो पाता है। और अभी मैं खाना बनाऊँगी, खाना मतलब अभी खाना बनाऊँगी, थोड़ा देर बाद खाना बनाऊँगी। आज तो मैं अंडा करी और चावल बना दूँगी। और मेरा तबीयत भी इतना भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही। अभी मैं अंडा करी और चावल बना लूँगी, सब्जी भी बना दूँ यार, कुछ बना लूँ, कुछ बनाने का मन नहीं है। दाल भी बना सकता हूँ, नहीं भी बना सकता हूँ। और अभी मैं खाना बनाने के लिए थोड़ी देर बाद किचन में जाऊँगी और फिर मिलती हूँ आप लोग से। अंडा का बनाने के लिए मैं अंडा को बॉईल कर लिया, आलू भी साथ बॉईल कर लिया। आलू को थोड़ा हाथों से मैश करके रख दिया है। अभी अंडा को मैं फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैंने बारीक बारीक प्याज को भी काट लिया, अदरक लहसुन का भी मैंने छोटा सा बारीक बारीक काट लिया, और टमाटर को भी मैंने पेस्ट बना लिया। अभी कढ़ाई में तेल दे दिया, तेल देने के बाद मैं गोटा जीरा दे दिया, गोटा जीरा देने के बाद ही मैं अदरक और लहसुन को जो बारीक काट कर लिया था वो दे दिया, और प्याज को भी साथ ही दे दिया। अभी थोड़ा मिलाने के बाद मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर साथ दे के थोड़ा देर मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं टमाटो पेस्ट को भी दे दूँगी। देने के बाद अच्छे से मिला के ढक्कन लगा कर रख दूँगी पकने के लिए। मसाला पक गया है देखिए। अभी मैं आलू और अंडा को भी दे दूँगी मसाला के साथ, अच्छी तरह से मिला लूँगी। मिलाने के बाद थोड़ा टाइम रख कर पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद उबलाने के लिए ढक्कन लगा कर रख दूँगी। मैंने खाना पीना खा लिया आज, सिंपल अंडा करी, आलू मिर्च और चावल बना दिया है। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, और पेट दर्द भी हो रहा है, गैस्ट्रिक जैसा, पता नहीं क्या हो रहा है। इतना घुमा फिरा लखीमपुर में, इतना एंजॉय किया, और तब बहुत टायर्ड हो गया था। तब से आके मतलब लखीमपुर से आके अभी तक टायर्ड फील कर रही हूँ। मतलब इतना तो नहीं, कितना घुमा आप लोग तो ब्लॉग में देख ही चुका है। जब से आई हूँ कुछ ना कुछ, मेरा बेटी को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो मस्त है। मेरा ही तबीयत ठीक नहीं है, और बुखार जैसा लगता है, पेट दर्द, सर दर्द, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरा साथ। और मैं ज़्यादा गर्मी हो, मतलब उधर भी बहुत गर्मी है, और इसीलिए हो रहा है शायद। घूमने फिरने के ठंडा दिन ही अच्छा है, गर्मी दिन अच्छा नहीं है। मैंने क्या मतलब जब भी जाऊंगी कहीं कोई भी जाऊंगी, ठंडा दिन में ही जाऊंगी, गर्मी में कभी नहीं जाऊंगी। इतना मतलब दिक्कत होता है गर्मी में घूमना फिरना। और आज का ब्लॉग में मैंने तो आज का ब्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हम सभी का पास सभी चीज़ होता ही है, और किसी ने कुछ गिफ्ट में कुछ मिल जाता है तो अच्छा लगता है, और छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ मिल जाता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी कुछ भी दे देता है मुझे, छोटा छोटा भी चीज़ हो अच्छा लगता है, सभी को तो अच्छा लगता है। और पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आज का ब्लॉग मैंने एंड कर दिया है, और फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।